Now we are going to learn a very interesting point, and that is about excess depreciation. Yes, excess depreciation because of upward revaluation. Look, we had an upward revaluation because of which there is a surplus. Had the asset not been revalued, depreciation definitely come. हमने ज्यादा डिप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस को चार्ज की है बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड रिवैल्यूएशन उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे वी विल लर्न दिस थ्रू अ स्नैरियो और स्नेरियो मैंने पिछले मॉड्यूल वाला ही कंटिन्यू किया ताकि आपको ईजिली चीजें जल्दी से समझ आ जाए वही 100 मिलियन की मशीन फर्स्ट जनवरी को जो बाय की थी 10% परसेंट डेप्रिसिएशन रेट स्ट्रेट लाइन मेथड नो रेजोल वैल्यू और जो कि रीमयर हुई थी थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी मिलियन पे अब हुआ ये दो साल तो गुजर चुके थे अब आकर ये रीवैल्यू हुई है हमने देखा कि इसके हम यूजफुल लाइफ भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी जरा डिटर्मिन हैं कि उसमें कोई चेंज तो नहीं है इस रीवैल्यूएशन की वजह से वेल well, थोड़ा सा आप माशाल्लाह से इतने स्मार्ट हैं कि आप समझ जाते हैं जब 10 परसेंट आप किसी फिगर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब दसवां हिस्सा कैलकुलेट कर रहे हैं फर्दर इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी 10 साल डिटरमिन हुई थी जिसमें से दो साल डेप्रिसिएट हो गए खत्म हो गए बाकी अगर पिछले वाली एस्टिमेशन को कैरी करें तो वी आर हैविंग एट ईयर्स इस मशीन एसेट के लिए जो कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कहलाएंगे अब मैनेजमेंट ने जब इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के बारे में मालूम हासिल की तो उसने देखा कि जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसमें कोई चेंज नहीं आई इस रीवेल्यूएशन की वजह से मीन दैट इज स्टिल पॉइंट ओके अब रिलैक्सड वे में एक बात और समझ लीजिए हमारे पास वो फिक्स एसेट जो 100 मिलियन का था 20 मिलियन डेप्रीसिएट होके खत्म होके बाकी 80 मिलियन पे रह गया था हमने उसको रिवैल्यू किया 120 मिलियन पे 40 मिलियन का सरप्लस रिवेल्यूशन सरप्लस में चला गया अब वो 120 मिलियन का फिक्स एसेट हमारे अकाउंट में नजर आ रहा है जिसको हमने डेप्रीसिएट करना है अगले आठ सालों में गॉट द पॉइंट अब उसको कैसे डिप्रीसीट करेंगे इस साल के लिए जो कि हमारा अब रिपोर्टिंग ईयर आ रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू देखिएगा अकाउंटिंग उसकी हमारे पास वन ट्वेंटी मिलियन का वो एसेट मौजूद है अब उसको एट इयर्स पे डिवाइड किया तो हमारे पास फिफ्टीन मिलियन की डिप्रीसिएशन चार्ज बन रही है उसकी वो उसकी वो अकाउंटिंग एंट्री आपको याद है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और अकूमुलेटिव डेप्रीसिएशन को क्रेडिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ फिफ्टीन मिलियन पॉइंट ऑल अब हुआ ये जो अब हम एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसको अब आपने फोकस करना अब हुआ यह कि हमने डिप्रीसिएशन 15 मिलियन की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आउट कर दिया अगर एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो इसकी डेप्रिसिएशन 10 मिलियन होती एग्रीड वो जो 20 मिलियन आपने माइनस किया था दो साल की डेप्रिसिएशन बाकी एटी मिलियन रह गया उसको एट पर डिवाइड कर रहे हैं रिमेनिंग टेन तो मिलियन ही आएगा ना तो टेन मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होती अगर रीवैल्यू ना किया होता हम चार्ज कर रहे हैं फिफ्टीन मिलियन की तो फाइव मिलियन एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस को इसको कहते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन अब ये आप देख लीजिए यहां पर एक्सेस डेप्रिसिएशन फाइव मिलियन की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका होगा उसको हम रीवैल्युएशन सरप्लस में डेबिट करके रिटेन प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे इस वाले फाइव मिलियन को ओके okay? अच्छा जब हम यह काम करेंगे तो रीवैल्यूशन सरप्लस हमारा कम हो जाएगा देखिए ना आपने रीवैल्यूशन सरप्लस जो के मिलियन का था उसमें जब ये फाइव मिलियन डेबिट हुए तो ऑब्वियसली इट विल गिव अस अ बैलेंस विच इज थर्टी फाइव मिलियन नाउ तो पॉइंट हम पहले सीख चुके रिपीट कर रहा हूं कि एक्सेस डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है हैड द एसेट नॉट बीन रीवैल्यूड अगर एसेट रीवैल्यू ना हुआ होता तो क्या डेप्रीसिएशन होती टेन मिलियन नाउ सिंस द एसेट हैज बीन रीवैल्यूड तो कम्युनिटी डेप्रीसिएशन में कितना पार्ट जा रहा है फिफ्टीन मिलियन का जा रहा है लिहाजा फाइव मिलियन से ज्यादा आपका एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस को चार्ज हो रहा है उसको एक्सेस डेप्रीसिएशन कहेंगे और रिवर्स कर देंगे हम उसे रिवेल्यूशन सरप्लस में से निकाल के रिटेन प्रॉफिट में ले जाएंगे उतना रिटेन प्रॉफिट इंक्रीज कर देंगे ओके इसे हम ये भी कहते हैं कि हमारा रीवेल्यूशन सरप्लस रियलाइज हो गया तो उसको हमने रिटेन प्रॉफिट में ले गए देखिए जो चीज़ रिटेन प्रॉफिट में जाती है अब वो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगी इसलिए लफ्ज़ यूज करते हैं कि रियलाइज हो गया हमारा रिवेल्यूशन सरप्लस में अगर पड़ी रहती तो उसको हम अनरियलाइज्ड पार्ट कहते हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो होता है ऑल राइट थैंक यू